हेलो टीम, आई एम रोहित। और आज हम बात करेंगे टर्मिनेशन के ऊपर। काफी सारी कंपनियां अभी रिसेशन के दौरान बहुत सारे एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर रही है, एज वेल एज हमारे विप्रो जैसी अच्छी खासी जानी मानी एमएनसी कंपनी भी अपने एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करने से पीछे नहीं हट रही है। और रिसेंटली अभी न्यूज के अकॉर्डिंग पता चला है कि 450 एम्प्लॉयज मीन्स 450 एम्प्लॉयज को विप्रो ने टर्मिनेट कर दिया है, जिसके दौरान कंपनी द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया है इस टर्मिनेशन के ऊपर, मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा। और जो हमें इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिली है जिन एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करा है, जब हमने उन एम्प्लॉयज से बात करी तो उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट है, आज हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और एक्चुअली व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द कैंपस, एज वेल एज वी विल डिस्कस इनसाइड द वीडियो। सो आप लोगों का बस एक ही काम है, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें। अगर आपका डाउट अदर कंपनी से रिलेटेड भी है, लाइक TCS, इंफोसिस, गूगल, Amazon और XYZ कंपनी, ओके, आई एम नॉट डिस्कस्ड ओनली फॉर द विप्रो, किसी भी कंपनी के बारे में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। और सुन सुन हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे और आपकी डेफिनेटली फुल हेल्प करेंगे। नाउ विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट स्टार्ट नाउ। सो आज हम टर्मिनेशन पे दो पार्ट्स में डिवाइड करके बात करेंगे। फर्स्टली हम ग्लोबल कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो अभी टर्मिनेशन कर ही जा रही है और ये तो बस फेस वन के नाम पे रोना गाना हो रहा है। और फिर हम बात करेंगे लोकल कंपनीज जो हमारी इंडिया की टॉप कंपनीज हैं उनके बारे में, ट्विटर, मेटावर्स, मेटा, फेसबुक, IBM, Amazon जैसी सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर रही हैं। और ऐसा छोटा मोटा टर्मिनेशन भी नहीं हो रहा है, ये सारी ही कंपनियां बल्क में टर्मिनेट कर रही हैं, लाइक 2,000, 10,000, 20,000 एम्प्लॉयज को डायरेक्टली फायर कर रही है। ट्विटर ने तो यहां तक कि 90% एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर दिया है। वो कंपनियां कहती है कि हम 3 मंथ का नोटिस पीरियड दे रहे हैं और सैलरी भी दे रहे हैं, बट गाइस सिर्फ ये एक ट्रैप है और कुछ भी नहीं, जल्दी से जल्दी आप लोगों को एक अच्छी से जॉब ढूंढना है, उसके लिए ये टाइम दे रहे हैं। लोकली बात करें तो TCS, इंफोसिस, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा जैसी टॉप MNC कंपनीज जो वर्ल्ड वाइड फेमस होने के साथ साथ हमारे इंडिया की टॉप कंपनियों में लिस्टेड है, ये कंपनियां भी अपने एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करने से पीछे नहीं हट रही है। रिसेंटली कुछ न्यूज के अकॉर्डिंग पता चला था जिन लोगों का ग्रीन ऑडिट क्लियर था, लाइक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हो चुके थे, बट अगेन उन लोगों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक हुआ, डॉक्यूमेंट रीवेरीफाई हुआ और सब कुछ क्लियर होने के बाद भी उन लोगों को रिवोक कर दिया गया। कुछ कुछ कंपनियों ने तो अभी तक ज्वाइनिंग दी ही नहीं थी, लाइक इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और विप्रो की जब हम बात कर रहे हैं तो इन कंपनियों ने अपने 2020, 2021, 2022 पास और बेंच तक के एम्प्लॉयज को ज्वाइनिंग लेटर दिया ही नहीं, 6-6 महीने, 8-8 महीने बेंच पे बिठा के रखा और सिर्फ नकली झांसा दिया कि हम आप लोगों को ज्वाइनिंग देंगे। एंड ऑफ द डे सभी को टर्मिनेट कर दिया गया, जिसमें कुछ खबरें ऐसी भी थी कि मूनलाइटिंग के अकॉर्डिंग विप्रो और इंफोसिस जैसी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है। मूनलाइटिंग क्या होती है, जिसमें कि कोई एम्प्लॉय एक कंपनी का पार्ट होने के बाद भी किसी अन्य कंपनी के लिए काम कर रहा है, लाइक एक एम्प्लॉयज 2 कंपनियों में काम कर रहा है, तो उस केस में उस सिचुएशन को हम मूनलाइटिंग कहते हैं। और इस मूनलाइटिंग में कंपनी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ये था कि आप हमारी कंपनी का डेटा लीक कर रहे हैं और आप हमारे एम्प्लॉय होने के बाद भी, एग्रीमेंट सारे साइन करने के बाद भी दूसरी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे विल बी टर्मिनेटेड फॉर द मूनलाइटिंग रीजन। सारी कंपनियों के अकॉर्डिंग ये अभी एक फेज वन का रिसेशन है, अभी तो फेज टू और फेज थ्री बाकी है। कुछ कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि सर हम तो 2023 में पास हुए हैं और हम अभी एग्जाम्स दे रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, हमें उन कंपनियों के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर हमें किसी लोकल या छोटी जो स्टार्टअप कंपनीज है उनमें ज्वाइन करके हमारा वर्क स्टार्ट करना चाहिए। उन लोगों को मेरा रिप्लाई यही रहेगा, डेफिनेटली अगर आपको जॉब मिल रहा है किसी भी कंपनी, लाइक MNC अगर दे रहा है तो बिल्कुल ग्रैब कीजिए, अदरवाइज आप किसी भी छोटी कंपनी में एटलीस्ट 1 से 2 साल तक के लिए तो चले जाइए। अब हम सिर्फ विप्रो के लिए बात करेंगे कि क्या हुआ जो उन्होंने 452 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। एक्चुअली सच में 452 एम्प्लॉयज को ही फायर करा है या फिर कुछ ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर करके कुछ झूठे स्टेटमेंट्स दिए हैं। इस टॉपिक पर हमने एक इंटरनली एम्प्लॉय जो जिस एम्प्लॉयज को फायर किया गया था और उसके साथ में जो कलीग्स है उन लोगों से हमने बात करी तो हमें एक्चुअल रीजन पता चला। अकॉर्डिंग टू दैट एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग हुई थी 30 मई 2022 को, एटलीस्ट
उसको 8 महीने कंप्लीट हो चुके थे, 8 महीने से कोई काम प्रोजेक्ट या कुछ नहीं दिया गया था, उसमें सिर्फ उसे बेंच पे बिठा के रखा था। बेंच एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसमें कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं होता है या फिर उस पर्सन के लिए कोई वैलिड प्रोजेक्ट नहीं होता है तो उसे सिर्फ पेमेंट दिया जाता है और बोला जाता है कि लर्निंग स्किल को ग्रो कीजिए, अदरवाइज आप स्टील बेंच पे बैठे रहिए, जब प्रोजेक्ट आएंगे हम आपको इन्वाइट करेंगे। यही सोच के उसने भी वेट किया। उससे पहले तो उसकी काफी सारी एग्जामिनेशंस कंपनी ने कंडक्ट करवा चुकी थी, लाइक पीजेपी और पीआरपी, जो कि ऑफर लेटर में मेंशन किया गया था, जिस एग्जाम को हम प्री ज्वाइनिंग एग्जाम कहते हैं और एक पोस्ट ज्वाइनिंग एग्जाम, जिस एग्जाम का नाम है प्रोजेक्ट रेडीनेस प्रोग्राम। प्री ज्वाइनिंग एक सेल्फ अपॉर्चुनिटी होती है लर्निंग करने की, इसमें भी एक एग्जामिनेशन होती है, मैंडेटरी नहीं होता पास करना या फेल होना। पीआरपी नाम से जो एग्जाम होती है प्रोजेक्ट रेडीनेस प्रोग्राम, ये बहुत ही मैंडेटरी होती है, एटलीस्ट 60% आपके मार्क्स होना चाहिए, जिसमें की 2 कोडिंग क्वेश्चन, 50 MCQ क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के पेपर में 60 नंबर बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न भी इजी रहता है, मिड लेवल कोडिंग क्वेश्चन रहते हैं और ऑब्जेक्टिव्स भी थिंकिंग करके चूज कर सकते हैं। बट कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आता है, 2 एग्जाम तो हो गई, उसके बाद फिर से उसे एक एग्जामिनेशन के ट्रेनिंग में डाला गया जिसका नाम था स्टेप प्लेस एग्जाम। ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है पास करना, बट विप्रो ने उसे मैंडेटरी बना दिया। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है जिसमें कि आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए, पढ़ना लिखना बोलना और सुनना, दैट्स इनफ। ओके, अब ये एग्जाम तो कंप्लीट हो गई है, उसके बाद फिर कंपनी ने एक और एग्जाम कंडक्ट कर दी जिसका नाम कोडिलिटी। उस एग्जाम में आपको एटलीस्ट 70% मार्क्स लाना रहता है, मिड लेवल से एडवांस लेवल तक के कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, 2, 4, 6 कोडिंग क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। सारे ही कोडिंग क्वेश्चन क्लियर करने के बाद आपको आपका एक कोडिलिटी सर्टिफिकेशन मिल जाता है, जिसमें मोर देन 70% होगा तो आप पास होते हैं। और एम्प्लॉइज ने वो एग्जाम भी क्लियर कर ली। अब उसके बाद रिशेड्यूल किया गया और कोडिलिटी लेवल 2 और एग्जाम कंडक्ट करवाई गई, जिस एग्जाम का सेम पैटर्न था, सेम टू सेम एग्जाम हुई, वो भी क्लियर हो गई। देन उसके बाद फिर बेंच पे बिठा, फिर बोला गया कि अभी प्रोजेक्ट नहीं है, आप प्लीज वेट कीजिए और लर्निंग थिंग्स पे ध्यान दीजिए। उसके बाद उसने फिर से लर्न करा थोड़ा सा, फिर बेंच पे बैठे, कम से कम 5 महीने 6 महीने तक उनका बेंच पीरियड कंटिन्यू चलता रहा। उसके बाद कंपनी ने बोला कि आप सभी लोकेशन पे आ जाइए। जब वो लोकेशन पे गए तो वहां पे उन कोड एक्सप्रेस नाम से एक एग्जाम कंडक्ट कर दी गई। उस कोड एक्सप्रेस एग्जाम में कुछ उन्हें कोई आइडिया नहीं था किस टाइप की एग्जाम होगी, क्या लॉजिक करना है, क्या था XYZ, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, जब उन्होंने एग्जाम दी तो सारे ही बच्चे फेल हो गए, लाइक क्योंकि उस एग्जाम का लेवल वेरी 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 हार्ड था। वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए एग्जामिनेशन आप कह सकते हैं, या फिर उसका लेवल इतना था कि कोई 5 से 10 साल वाला एम्प्लॉय भी शायद ही क्रैक कर पाएगा। उसके बाद फिर कंपनी ने बोला कि आप जो आपकी नियरेस्ट लोकेशन है वहां पे जाइए, लाइक पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, जो भी लोकेशन आपको प्रिफर्ड हो रही है। सो उस लोकेशन पे जाने के बाद सारे एम्प्लॉयज ने ट्रेनिंग ली, जिसमें कंपनी ने कुछ अच्छा पढ़ाया तो नहीं, बट सेल्फ लर्निंग काफी अच्छी हुई, इंटरेक्शन हुआ एम्प्लॉय से, फ्रेंडली नेचर हुआ, सभी सब कुछ बढ़िया से चलने लगा। देन फिर एग्जाम कंडक्ट करवाई गई, जिस एग्जाम में 2000 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट करा, जिसमें से मैक्सिमम लोग फेल हो गए। आई मीन अभी 2000 एम्प्लॉयज ने एग्जाम दी तो 10% एम्प्लॉय सिर्फ क्लियर कर पाए और बाकी सब फेल हो गए। समथिंग 1800 एम्प्लॉय फेल हो गए। देन उन लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया विदाउट एनी रीजन, बस रीजन एक दिया गया कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो गाइस, अब आप ये बताइए, क्या कंपनी ने उन एम्प्लॉयज के साथ सही किया या गलत किया, या फिर कंपनी को किसी और स्ट्रीम में उन्हें पुट कर देना था, लाइक टेस्टिंग, ऑटोमेशन, या फिर बीपीओ सेक्टर, XYZ, कोई भी अदर सेक्टर में वर्क या प्रोजेक्ट होंगे तो उस सेक्टर में करना था। आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी होती है तो डेफिनेटली कमेंट करें। अगर आप भी टर्मिनेट एम्प्लॉय हैं तो डेफिनेटली आप अपने कलीग्स को जानते होंगे, आप उन तक भी वीडियो पहुंचाइए और कमेंट करके बताइए कि आपके साथ क्या वो सिचुएशन हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट अगेन, अंटिल देन सी यू, बाय।